बनने जा रही है उस रेसिपी का नाम है, आप जो राजमा है और जो ये काली जो दाल है उड़द की पूरी वाली, इसके साथ में ये जो दाल है इसको आप देखकर समझ गए होंगे कि आज हम दाल मखानी बनाने जा रहे हैं। और दाल मखानी को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट यही है जो हमारी दाल है ब्लैक वाली, मतलब कि काली दाल के पूरे दाने, और उसके साथ साथ हमने राजमा लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसके साथ में चने भी ले सकते हैं, पर हमने इसके साथ राजमा लिया ताकि आप जो ढाबा स्टाइल खाते हैं वैसा का वैसा फ्लेवर आपको इसके अंदर आएगा। और इसके साथ साथ हमने लिया है इसके अंदर 2 बड़ी साइज़ के टमाटो का पेस्ट, उसके साथ में हमने लहसुन और प्याज का पेस्ट लिया है। और अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसकी ग्रेवी बनाकर और इसको हमें बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसको बॉईल करने डालती हूँ कुकर में। तो इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें इसमें 1 से 1.5 ग्लास इतना ही पानी डालना है ताकि वो आराम से गल सके, और पानी उतना ही डालना है जितना वो ले सके। अब मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 ग्लास इतना पानी डाला है ताकि जितना पानी ये लेगा उतना का उतना ही पानी हमने, और आपको अंदाज़ का पता ना चले तो आप 1 कप या 1 कटोरी जितना ये जो दाल है इसको भिगो सकते हैं। और इसको 5 से 6 घंटे तक आप भिगो कर रखेंगे। जैसे आपको शाम को बनाना है तो आप इसको दिन में 12-1 बजे भिगोएंगे तो भी ये खाने के लिए एकदम अच्छी तरह से फूल जाएगा और रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 स्पून जितना नमक। अब हमें क्या करना है, इसको 5 से 6 सीटी लेकर अच्छी तरह से बॉईल करना है। फिर इसकी ग्रेवी बना के, जो हमने प्याज और लहसुन हरी मिर्च और टमाटर की जो ग्रेवी बना के रखी है, फिर इसके अंदर हमें इसको साथ में बनाना है। अब मैं आपको इसको बॉईल करके दिखाती हूँ, उसके बाद में हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। जब तक हमारे जो राजमा और जो दाल है वो काली दाल वो ब्लैक बॉईल हो जाती है, तब तक हमें क्या करना है, इसकी ग्रेवी बनानी है। और ग्रेवी बनाने के लिए हमें इसको दाल मखानी जब हम बनाते हैं तो इसको पूरा बटर में ही बनाएंगे हम, या फिर आप घी में भी बना सकते हैं अगर आपको घी पसंद हो। पर बटर जो है वो लाइट रहता है तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी है डाइजेशन के लिए, क्योंकि दाल जो रहती है वो थोड़ी हैवी रहती है और राजमा भी रहता है वो थोड़ा हैवी रहता है। तो हमने इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट बटर जो हमें ग्रेवी के लिए चाहिए, और हमने इसके अंदर फ्रेश मलाई ली है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मलाई हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, सेम ही कंटेंट है ये दूध की, मतलब फ्रेश दूध की फ्रेश मलाई है। अब हमें क्या करना है, कढ़ाई में सबसे पहले बटर डालना है। अब हमें क्या करना है, इसमें 1 स्लाइस जितना बटर डालना है, और बटर के थोड़ा सा पिघलते ही हमें इसके अंदर डालनी है थोड़ी सी हींग, और उसके बाद हमें डालना है इसके अंदर जो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बना कर रखा है वो हमें डालना है इसके अंदर। तो अब हमें इसको पिघलते ही हमें इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, इसके अंदर हमें डालनी है 1 चुटकी जितनी हींग। हमारा बटर जो है वो पिघल चुका है, बटर के पिघलते ही हमें सबसे पहला काम करना है, इसके अंदर हमें चुटकी भर जितनी डालनी है हींग, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और उसके बाद डालना है हमें प्याज और गार्लिक, मतलब कि हमारे लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह से पकाना है। इसके अंदर हमने 1 बड़ी साइज का प्याज लिया है, अगर आप छोटे यूज कर रहे हैं तो आप 2 प्याज ले सकते हैं, वरना 1 बड़ी साइज का प्याज 7-8 कलियाँ लहसुन की ले सकते हैं, और अगर आप रेडीमेड मसाला यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको हमें बटर में ही बनाना है, तो इसका जो टेस्ट आएगा वो ढाबा स्टाइल बिल्कुल आप जैसा बाजार में खाते हैं। तो हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसको एकदम ब्राउन कर दिया है। जैसे ही अच्छी तरह से पक जाएगी तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च और हल्दी। तो इसमें 2 स्पून जितनी लाल मिर्च और 1/2 स्पून जितनी हल्दी, और उसके साथ साथ हमें डालना है इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। इसके अंदर डालना है 1/2 टीस्पून जितना नमक, क्योंकि नमक जो है हमने राजमा और जो दाल है हमारी उसके साथ बॉईल करने में हमने ऑलरेडी डाल दिया है, तो हमारी जो ग्रेवी है
पानी में अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये पीसा हुआ है तो इसको ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लगेगा और बहुत अच्छी तरह से ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी तरह से कढ़ाई में पक रही है। जब तक ये पकेगी तब से ही अपना ऑयल छोड़ने लगेगी, मतलब कि पक जाएगी पूरी अच्छी तरह से। तो हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने फ्रेश क्रीम या जो मलाई अगर आपके घर पर अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हमारी ग्रेवी जो है वो पक चुकी है, इसके अंदर मैं डालूंगी सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो है वो हमारी मलाई है। 2 चम्मच जितनी हमने इसके अंदर मलाई ली है ताकि ये जो टेस्ट आएगा वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल आप जैसे बाजार में खाते हैं बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा इसमें खाने में। आप चाहें तो इसके अंदर आप दही भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो फ्रेश क्रीम और मलाई मलाई डाल के इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे, हमारी ग्रेवी जो है वो इस टाइप से दिखाई देगी। अब हमें क्या करना है, इसको ढककर रखना है अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट तक, ताकि ये जो क्रीम है उस जो तरी है जो वो अच्छी तरह से बाहर आ जाए। और हम इसको फिर उसके बाद में राजमा जब हमारा अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा, 5 से 6 सीटी ऑलरेडी लग चुकी है उसको, जैसे ही वो प्रेशर खुलेगा हम उसके अंदर उसको कैसे बनाना है मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। हमारी ग्रेवी जो है वो पूरी अच्छी तरह से पक के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हमारे जो राजमा और जो दाल है वो एकदम अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है और हमारी जो ग्रेवी है वो भी एकदम रेडी हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो सारे ही दाल और जो राजमा है इसको हमें ग्रेवी में डालना है और इसको अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमें में जो ये हमारी ग्रेवी रेडी है इसके अंदर हमें अब इसको हमें अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ में मिक्स करना है और चम्मच से अच्छी तरह इसको हिलाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरे 5 से 6 सीटी हमने ली थी तो अच्छी तरह से गल चुके थे। अब हमें इसको थोड़ा सा देर ग्रेवी के साथ पकाना है ताकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहें तो आप इसे कुकर में सीटी भी ले सकते हैं, पर ये ऑलरेडी गला हुआ है तो हमें इसको सीटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये बन जाएगा तो हमें इसके अंदर क्या करना है, बटर डालना है और अभी हमें इसके अंदर डालना है किचन की मसाला 1/2 टीस्पून जितना, इसमें हम 1/2 टीस्पून जितना किचन किंग मसाला डालेंगे ताकि ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें और इसके अंदर एडिशनल मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे ही मसाले हमने ऑलरेडी इसके अंदर ग्रेवी के अंदर डाल दिए थे, क्रीम डाल दी थी, बटर डाल दिया था, लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च सभी चीज़ें हमने इसके अंदर ऑलरेडी डाल दिए हैं। अब हमें इसको सिर्फ पकाना है 5 से 10 मिनट तक सिम आँच पर और इसको ढक देना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। अब हमारी जो दाल मखनी है वो खाने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है, जो हम इसको सिर्फ प्लेटिंग करना बाकी है, जिसके लिए हमें आप देख सकते हैं कि जो इसका कलर है और जो टेस्ट है बिल्कुल जैसा बाज़ार में दाल मखनी आपने कभी भी खाई होगी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब हमें सिर्फ इसके ऊपर बटर गार्निश करना है और इसको इसकी प्लेटिंग करनी है। तो मैं इसको बाउल में डाल के इसकी बटर से प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अब हमें इससे बटर से गार्निश कर दिया है। बटर से गार्निश करने के साथ साथ आप इसके ऊपर चाहें धनिया पुदीना जो आपको पसंद हो उससे आप इसको डेकोरेशन कर सकते हैं। और हमारी जो दाल मखनी है वो खाने के लिए एकदम रेडी है, जो आप देख सकते हैं बहुत ही यमी बनी है। लॉट्स ऑफ बटर एंड लॉट्स ऑफ स्पाइसेस और लॉट्स ऑफ हेल्दी मील से बनी हुई है जो कि, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी होममेड रेसिपीज़ के लिए अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो तो हमारी rasoi.me जो वेबसाइट है उसके थ्रू ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। जो भी रेसिपीज आपको सीखने का मन हो या आप चाहते हैं आपको सीखना हो तो आप कर सकते हैं, और कोई भी इंक्वायरीज हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
वंस अगेन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।